स्मैकडाउन में बॉबी लैशली पे जानलेवा हमला करने के बाद ब्रॉक लेसनर ने दी ऑलमाइटी को बड़ी धमकी। बोला रॉयल रंबल में अब तेरा बाप ब्रॉक लेसनर भी एंट्री मारेगा, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सेगमेंट की शुरुआत में ऑस्टिन थ्योरी आकर बोले कि उन्होंने पिछले हफ्ते रॉ में बॉबी लैशली को हराकर अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप तो रिटेन कर ली, लेकिन अब वो मेंस रॉयल रंबल मैच में ना ही सिर्फ एंट्री मारेंगे बल्कि उसे जीतेंगे भी। इतने में न्यू डे की एंट्री हुई। इनकी बगलोली चल ही रही थी कि मिस भी आकर इस महफिल में शामिल हो गए। बातों ही बातों में ये सभी सुपरस्टार्स रिंग में मारपीट पे उतर आए, लेकिन बीच ब्रॉल में ऑलमाइटी बॉबी लैशली ने आकर सबको दे धनाधन बजा डाला। फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर सभी रेसलरों को रिंग से बाहर करने के बाद लैशली माइक उठाकर बोले कि बीते रॉ में वो ब्रॉक लेसनर की वजह से मैच हार गए और इसका अंजाम मेंस रॉयल रंबल मैच में सभी सुपरस्टार्स को भुगतना होगा, क्योंकि इस मैच में बॉबी लैशली सबको तोड़ेगा। इतने में चीते की रफ्तार से जंगली शेर बैरिकेड कूदकर शिकार करने रिंग में आ गया और ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर बॉबी लैशली को F5 का स्वाद चखाकर ढेर कर दिया। सेगमेंट के अंत में काउबॉय ने दर्द से रोते बिलखते लैशली को धमकी देते हुए कहा कि बाकी का हिसाब तुझसे रॉयल रंबल में पूरा करूंगा, क्योंकि बॉबी मेंस रॉयल रंबल में तेरा बाप ब्रॉक लेसनर भी एंट्री मारेगा। इस तरह से काउबॉय ने बॉबी लैशली पे एक ही हफ्ते में दूसरी बार हमला करते हुए उन्हें परेशान कर डाला और अब मेंस रॉयल रंबल मैच में ब्रॉक लेसनर भी एंट्री मारेंगे। लेकिन आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।